जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की। मैं गुड़िया, बेटी कह रही है, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, ओ मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, ओ मैं गुड़िया तेरे आंगन की। जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, और सुनो बेटी, जब विदा होती है ना, वो पहले जाती है अपने किसके पास, सबसे पहले किसके पास जाती है? देखो, सबसे पहले जाती है भाई के पास। कहाँ जाती है पहले? भाई के पास। क्यों जाती है भाई के पास? भाई से आंखों में आंखें डालकर सिर्फ इतनी सी बात कहती है, मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया। द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया। भाई से कहती है, भाई आज तक हम लोग लड़े झगड़े, बहन भाई के झगड़े भी बहुत होते हैं, लेकिन उनके जितना प्यार शायद ही किसी में है ना। झगड़े तो बहुत होते हैं, मम्मी ये रिमोट नहीं दे रहा, रिमोट ही फेंक के मार देती है उसके, ऐसी होती है बहन। लेकिन वो कह रही है, मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया। मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया। याद ना भुलाना रक्षा बंधन की, मैंने अभी तक बांध रखी। याद ना भुलाना रक्षा बंधन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, ओ मैं गुड़िया तेरे आंगन की। उसके बाद भाई के बाद बारी आती है किसकी? मम्मी की। माँ से कहती है कि माँ, ए मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। ए मेरी माँ तू क्यों रोती है,
को शुरू से ही डांटती है इस बात के लिए कि तुझे पराए घर जाना है, ऐसे मत बैठ, ऐसे मत कर। एक बार को बाप बोले ना बोले, लेकिन माँ ये जरूर बोल देती कि तुझे पराए घर जाना है। जब बच्ची छोटी होती है तो इतना ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती जाती है, उसकी माँ उसकी हरकतें देखती है तो उसको जरूर बोल देती कि थोड़ा तमीज में रह कर, तुझे पराए घर जाना है। एक बार माँ के लिए गा दो, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। माँ से कहती कि माँ, ए मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। ए मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। और एक बात और कह देती है कि माँ, राजा की हो या निर्धन की, बेटी राजा की हो या किसी गरीब की, उसको दूसरे घर जाना ही पड़ता है ना। राजा की हो या निर्धन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की हो, मैं गुड़िया। और अंत में बारी आती है किसकी, पापा की। पापा की तो लाडली होती है, और सबसे आखिर में बारी आती है पापा की, क्योंकि पापा से देर तक बातें करनी होती है। पापा से आंखों में आंखें डाली, और रोए जा रही है आंखों में आंखें डालकर। पिता एक कोने में खड़ा होता है अपना कठोर हृदय करके, मैं रोऊंगा नहीं, ऐसे खड़े होते हैं बिल्कुल साइड में जाकर। और जैसे ही बेटी गले लगी और जो आंसुओं की धारा निकली है आंखों से पिता के, बाप से कहती है, पिताजी चले हैं कहां रे मेरी टोली उठा कहीं, कर दो विदा मुझको शगुन गीत गा कहीं। कहां रे मेरी टोली उठा कहीं, कर दो विदा मुझको शगुन गीत गा कहीं। अब बेटी पापा से कहती है, पापा सात समंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, सात समंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, सात समंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, सात समंदर पार से गुड़ियों के बाजार से। अच्छी सी गुड़िया लाना, अच्छी सी गुड़िया लाना, अच्छी सी गुड़िया लाना, अच्छी सी कहती है, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना, बोलती है ना पापा जल्दी। चले हैं कहां रे मेरी डोली उठा कहीं, कर दो विदा मुझको शगुन गीत गा कहीं। और पिता को एक बात कह के जाती है, पिताजी मैं आपके घर से जरूर जा रही हूँ, लेकिन जो आपके दिल में आपने जगह दी थी ना मुझे बचपन से, उस दिल से कभी विदा मत करना मुझे। यादें ना भुलाना मेरे बचपन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की ओ, बोलो सच्चे दरबार की। कोई बात नहीं, क्या हो गया, क्या तो सच्चे दरबार की।